नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। एमपीपीएससी के लिए विशेष प्रोग्राम जो संचालित हो रहा, उसी क्रम में आज की भी क्लास आपके बीच में उपस्थित है। आज भी हम आपके लिए कई सारे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में एक मॉडल प्रश्न के रूप में आ सकते हैं या मॉडल प्रश्न के रूप में हैं। संभावित प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में भी इसको आप ले सकते हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ आज हम जो आपके बीच में डिस्कस करेंगे वह यूनिट 7 और 9 दोनों के मिक्स प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमने यूनिट 7 और 9 के सभी टॉपिक पर अलग अलग से प्रश्न लिए हैं और सभी आप लोग उसमें सम्मिलित भी हुए हैं, और जो लोग जिनका पेपर है लेकिन अभी तक वह नहीं देख पाए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि उन प्रश्नों को जरूर एक बार आप लोग देखेंगे, क्योंकि पूरे टॉपिक वाइज, चाहे यूनिट 9 का हो या यूनिट 7 का हो, सभी का हमने अलग से वहाँ पे प्रश्न लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। एक एक टॉपिक पर हमने कई दो दो तीन तीन दिन भी प्रश्न लिए हैं और 50-50, 60-60 प्रश्न भी वहाँ पे हल करा गया है। तो सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है 7 और 9 पर, जिसको आप लोग जरूर देखिएगा। जो लोग नहीं देखे हैं आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। बाकी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी का स्वागत है भाई। इतने लोग जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे नाम जो मुझे दिख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अभी फटाफट जुड़ते रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में। पहला प्रश्न हमारे सामने है, शालिनी जी स्वागत है भाई सभी का यहाँ पर। रमेश जी आपका भी स्वागत है, स्वागत है भाई सभी मित्रों का। हाँ, एकता स्वागत है भाई। रुद्रा जी आपका भी स्वागत है, सभी का स्वागत है। सब लोग जुड़ते जाएगा ज़्यादा संख्या में। पहला प्रश्न हमारे बीच में है कि जीनोम अनुक्रमण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, किसके बारे में बात हो रही है? जीनोम अनुक्रमण के बारे में है। जीनोम किसी भी जीव के डीएनए का समग्र समुच्चय होता है। प्रत्येक जीनोम में सभी सजीव को निर्मित करने और उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। अनुक्रमण के रूप में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से जीनोम को समझा जा सकता है उपर्युक्त सभी। अब यहां पर जीनोम का मतलब ही होता है सेट ऑफ जीन, सेट ऑफ जीन या सभी समस्त जीन को अगर हमको एक साथ बताना हो, जीन को जीनोम कहा जाता है। जैसे मानव में जीनों की संख्या कितनी है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझें, जैसे मानव में जो जीन की संख्या है, वह लगभग कितनी है, लगभग 25,000 है। कितनी है? 25,000 है। इस 25,000 को एक साथ हम क्या कहते हैं, जीनोम नाम से जानते हैं। इन 25,000 को हम जीनोम नाम से जानते हैं। तो जीनोम किसी जीव के डीएनए का समग्र समुच्चय होता है, यह भी ठीक है। और जीन हमारा आनुवांशिक इकाई है, यह भी आप जानते हैं कि जीन क्या है, आनुवांशिक इकाई है, हेरिडिटी यूनिट है, आनुवांशिक इकाई है, यह भी आप देखेंगे। प्रत्येक जीनोम में उस सजीव को निर्मित करने और उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। अनुक्रमण के रूप में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से जीनोम को समझा जा सकता है, मतलब सभी वाला यहां पर आपको विकल्प लेना पड़ेगा भाई। यह भी सही है, अगर यह भी सही है और यह भी सही है तो क्या हो जाएगा, डी वाला विकल्प हमको लेना पड़ेगा। सभी कुछ जीनोम से हम जान सकते हैं और उस जीव के निर्माण की पूरी प्रक्रिया हम जीन के माध्यम से, चूंकि सेट ऑफ जीन है तो यहां पर हम समझ सकते हैं। तो आंसर क्या लेना पड़ेगा भाई, डी वाला आंसर यहां पर सही जवाब है। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। नर्मदा स्वागत है भाई, सोनाली आपका भी स्वागत है, रेखा तिवारी आपका भी स्वागत है। तो सभी लोग एकदम जवाब देंगे, सभी लोग कहा गया निम्नलिखित कथनों पर सबको जवाब देना है। यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। सुनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। कह रहा कि इसमें ऐसी युक्ति जिसमें वायु में स्थित चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए पराध्वनिक तरंगें उत्सर्जित करा। पराध्वनिक मतलब अल्ट्रासोनिक वेव, पराध्वनिक मतलब हो गया अल्ट्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक किसमें आते हैं, जिनकी आवृत्ति क्या हो, 20,000 हर्ट्ज से
अधिक हो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, उनको कहेंगे निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, एक दो दोनों, ना एक ना ही दो, इसमें क्या जवाब होगा। कहा गया कि यहां पर सुनार एक ऐसी युक्ति है, सुनार, अब देखिएगा सुनार की उपयोग कहां करते हैं। सुनार इसका फुल फॉर्म होता है साउंड, सभी को पता है कि नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्या होता भाई, नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इससे डूबी वस्तु की जानकारी, क्या करते हैं डूबी वस्तु, खास करके समुद्र में डूबी है, समुद्र में डूबी वस्तु की जानकारी करते हैं। यहां कह रहा कि वायु में स्थित, तो पहला कथन तो गलत हो गया, पहला क्या कह रहा है वायु में स्थित। अब दूसरा कह रहा चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन के लिए पराध्वनि तरंग का उत्सर्जित करता है, कौन सा, देखेंगे कि चमगादड़ तो 1,00,000 आवृत्ति तक को उत्पन्न कर देता है, और वह लौटने का संसूचक डिटेक्शन भी के सिद्धांत पर कार्य करेगा, तरंगे उत्पन्न करेगा, टकरा के वापस आएंगे, उसको वह प्राप्त भी कर लेगा रिसीवर की तरह से। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, केवल दो हो जाएगा, बी कौन सा सही है, केवल दो सही है, बाकी गलत है। तो सभी लोग जो लोग यहां बता रहे थे कि सी सही होगा, एक दो दोनों, यहां पर बी आंसर होगा, क्या हो जाएगा भाई, बी आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, कवक केंद्रक युक्त व हरित लवक रहित थैलस जीव हैं, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, कवकों में संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, गलत कथन है, असत्य कथन है, जैसे कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक केंद्रक युक्त व हरित लवक रहित थैलस जीव है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, और कवकों में संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है, कौन सा गलत है, किसके बारे में बात हो रही है, फंजाई के बारे में। अब देखिएगा फंजाई कवक कैसे प्राणी है, या भाई सैप्रोफिटिक प्राणी है, सैप्रोफिटिक खास करके मृतोपजीवी है, मृतोपजीवी है मुख्यतः है, अगर कहा जाए मुख्यतः, वैसे या सड़े गले पे उगते हैं, इनको रखा जाता है किसमें, हेट्रोट्राप्स में रखा जाता है, हेट्रोट्राप्स में, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं कि जो परजीवी भी हैं, कई सारे ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि सहजीवी भी है, कई सारे सैप्रोफिटिक भी हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, क्लियर है, कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, काइटिन की बनेगी, एक एक को देखते हैं, कवक केंद्रक युक्त हैं, हरित लवक रहित थैलस जीव हैं। अब यहाँ इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए तो हेट्रोट्राप्स हैं, क्लोरोफिल नहीं है, मतलब भोजन अपना निर्मित नहीं कर सकते, यह भी ठीक है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, कवक का अध्ययन कहाँ करेंगे, माइकोलॉजी में, यह भी ठीक है। तो गलती कहाँ है, कवकों में संचित भोजन स्टार्च के रूप में लिखा है, गलती यहीं पर मिल गया, कवकों में जो संचित भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन वह कहीं कहीं पर वसा के रूप में आप देख सकते हैं, स्टार्च के रूप में नहीं होगा, ग्लाइकोजन के रूप में होता है और कभी कभी वसा के रूप में होता। तो जो लोगों ने डी आंसर बताया है एकदम बिल्कुल करेक्ट है, उनका डी आंसर एकदम सही है, क्लियर है सभी को। कवक में कोशिका भित्ति तो काइटिन की बनती है, यह भी एक पॉलीसेक्राइड है, लेकिन भोजन का जो स्टोरेज करते हैं या ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, मनुष्यों में भी भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लीवर के पास हमारे जो जमा भोजन है या मांसपेशियों में जो जमा भोजन है वह ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। तो कवक के पास में, कवक में जैसे मशरूम भी एक कवक है, ईस्ट भी एक कवक है, तो मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसके कारण से हम सेवन इसका करते हैं। मिसलेनियस प्रश्न है, सारे टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर हैं। अब आ गया यहां पर कि लसिका का कार्य क्या है, लसिका का कार्य क्या है, मतलब लिम्फ के कार्य आपको बताने हैं, लिम्फ के कार्य बताने हैं। लसिका अंतराली द्रव का सिराओं में रूपांतरण, वेन्स में उसका स्थानांतरण कहा गया है, WBC का स्थानांतरण, प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, क्या होगा जवाब। यहां पर कहा गया है कि यहां पर कि अंतराली द्रव का सिराओं में रूपांतर, लसिका होता क्या है थोड़ा समझिएगा, यह है ब्लड, अगर ब्लड में से हम क्या करें,
आरबीसी को घटा दें, मतलब हटा दें, आरबीसी को यहां से हटा देते हैं, जो विदाउट आरबीसी ब्लड बचेगा उसी को लिम्फ कहेंगे, लसिका कहेंगे। क्या कहते हैं? उसी को हम लिम्फ कहते हैं, लसिका, लसिका कहेंगे भाई, समझिएगा, लसिका कहेंगे। क्लियर इतनी बात हो गई? तो पहला जवाब की लसिका क्या होती है, विदाउट आरबीसी ब्लड होती है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होगा? तो सर्वाधिक भाई इसमें रहता है डब्ल्यूबीसी, सर्वाधिक इसमें होगा डब्ल्यूबीसी, और साथ में इसमें प्लाज्मा भी रहेगा, प्लाज्मा का हिस्सा भी रहेगा। हाँ, आरबीसी नहीं पाया जाएगा, रेड ब्लड कॉर्पल्स नहीं पाया जाएगा। ये आते कहां से हैं? ये शरीर की हमारी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। क्या है भाई? ये ढेर सारी हमारे शरीर की सेल्स हैं, मान लीजिए सेल्स हैं, इस तरह से शरीर में सेल्स हैं, ये भी शरीर में सेल्स हैं। हमेशा के लिए एकदम याद करिएगा बात को, समझने का प्रयास करिएगा, ये क्या है? सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। अब इन कोशिकाओं के बीच में खाली जगह है, इंटरसेलुलर स्पेस है, और इसी इंटरसेलुलर स्पेस में यहां से पतली पतली वाहिनियां गुजरी हैं, रक्त वाहिनियां गुजरी होती हैं। अब इन रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है, और इसी में से रक्त छन करके कहां चला गया? बीच में पहुंच गया, बीच में पहुंच गया, और यही जो बीच में पहुंचा भाग है, जगह जगह पर या इकट्ठा हो गया, जगह जगह पर इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो जहां पर इकट्ठा हुआ, इसमें मतलब कौन, लिम्फ सेल्स जो यहां पे आए, या लिम्फ था, और लिम्फ कोशिकाएं जहां इकट्ठा हो गई, इसी का निर्माण कर दी लिम्फ नोड का, नोड मतलब गांठ, या इसी का निर्माण कर दिया लिम्फ ग्लैंड का। क्या निर्मित कर दिया? लसिका ग्रंथि का। एग्जाम्पल क्या है लसिका ग्रंथि का? टॉन्सिल, मुंह में जो लटक रहा है टॉन्सिल, वह क्या है? लिम्फ ग्लैंड है, लिम्फ नोड है। स्प्लीन, सबसे बड़ी, जैसे स्प्लीन के बारे में जिसको कई नाम से आप जानते हैं, स्प्लीन, या इसी को प्लीहा, या इसी को तिल्ली कहा जाता है, यह सबसे बड़ी लसिका गांठ है, सबसे बड़ी लसिका गांठ है। अब चूंकि इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होती है, तो यह पहला काम क्या करेगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम ही है तो प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। यह तो क्लियर हो गया, यह आंसर होगा, सभी लोग जवाब देते रहेंगे। दूसरा, डब्ल्यूबीसी का स्थानांतरण। अब लसिका में बह क्या रहा है? हमने कहा कि विदाउट आरबीसी ब्लड है, सबसे ज्यादा है इसमें डब्ल्यूबीसी, तो यह भी क्या हो गया भाई? विकास स्थानांतरण करना हो गया। अब तीसरा देखते हैं, वैसे भी हम आंसर तो सी डी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो सही होगा तीसरा आएगा, अंतराली द्रव का सिराओं में रूपांतरण। अब होता क्या है कि इस ब्लड वेसल्स से, रक्त वाहिनियों से लसिका तो यहां पर आ गया, अब इसमें से जो आवश्यक पदार्थ है, वसा वगैरह, उसको यहां पर ब्लड, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियां हैं, उसमें एब्जॉर्ब भी किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। इसका मतलब यह भी एक इसका कार्य हो गया, तो आंसर क्या लेना पड़ेगा? यहां पर डी हो गया राइट आंसर। तो सभी लोग, जो लोग आंसर डी किए हैं, उनका एकदम सही है। क्लियर है सभी को? आगे चला जाए। चलिए पांचवें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। एक तो एकदम आसान सा प्रश्न है, घरेलू, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं कि टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक का क्या है? सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट, फार्मिक अम्ल और सोडियम सैलसिलेट। तो क्या करते हैं इसमें? सोडियम बेंजोएट अचार वगैरह में डालते हैं ना भाई, अचार मुरब्बा वगैरह खराब ना हो तो सोडियम बेंजोएट। एक तो नेचुरली होता है कि नमक भी इसका काम करता है, तो नमक में भी रखते हैं, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल जिसको कहा जाता है, सोडियम बेंजोएट को फार्मूला होता है C6H5COONa। यह क्या होता है? C6H5COONa, इसी को कहते हैं सोडियम बेंजोएट। इसी का प्रयोग करते हैं जिससे वह खराब ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें लगने ना पाए, और चिकित्सा के क्षेत्र में दवाई भी करते हैं, और यहां पर खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, प्रिजर्वेशन में किया जाता है। बी सभी लोग का जवाब होगा भाई, चलेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबको जवाब देना है इस प्रश्न को, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाइड्रोसिफेलस, एक शब्द यहां पर आ रहा है, हाइड्रोसिफेलस एक है, मतलब तो हाइड्रोसिफेलस क्या है? सभी लोग आंसर करते रहे, कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं, मैं क्या करूं, तो सभी लोग जवाब देते रहे कि हाइड्रोसिफेलस एक है ब्रिक से संबंधित रोग, किडनी से, तंत्रिका कोशिकाओं से संबंधित रोग, मस्तिष्क से संबंधित रोग, या श्वसन तंत्र से संबंधित रोग। कैसा रोग है? या
हाइड्रोसिफेलस। वैसे आपको बता दें, जहां पर सिफेलस शब्द आ जाए हमेशा ब्रेन होगा। एक तरह से गांठ बांध के रखना है कि जहां पर सिफेलस आएगा, सिफेलस का मतलब ही होता है ब्रेन, तो सिफेलस हो गया मतलब मस्तिष्क से संबंधित रोग। तो यह क्लियर हो गया आपका आंसर सी। इसमें होता क्या है, इसमें मस्तिष्क में पानी भर जाता है। क्या होता है इसमें, मस्तिष्क में पानी भर जाता है, मस्तिष्क में पानी भर जाता है भाई, पानी भर जाता है, भर जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहां पर हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है ना। और एक तरह से जो स्पाइनल कार्ड और उसका एक तरह से चूंकि कनेक्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है। ये वाला हिस्सा तो स्पाइनल कार्ड वाला है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वर्टिब्री है, और ये वाला ब्रेन है, ये ब्रेन हो गया। तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और ये हो गया स्पाइनल कार्ड, मेरु रज्जु। यहां पर जो द्रव भरा है उसको भी प्रेशर को मेंटेन करता, तो सी आंसर हो जाएगा। सेवन नंबर पे आते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से एपिग्लॉटिस का क्या कार्य है। एकदम आसान सा प्रश्न है, एपिग्लॉटिस का क्या कार्य है। कहा गया आंत्र में क्रमाकुंचन का नियंत्रण, क्रमाकुंचन मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस क्यों कहते हैं, एक बार सिकुड़े एक बार फैले, एक बार सिकुड़े एक बार फैले, यह कहते हैं मूवमेंट। ऐसे अगर हो रहा है भाई, भोजन को खिसकाने के लिए कोई ऐसा तो व्यवस्था है नहीं कि इसको डंडे से धक्का मारा जा रहा है, हम यहाँ भोजन चबाए और इसको निगले, अब अंदर कैसे जाएगा, कोई खींचने वाला भी भाग नहीं है। तो हमारी हमारी जो आहार नाल में एक मूवमेंट चलता है, गति होती है, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, कि एक बार सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। जैसे सिकुड़ेगा तो यहाँ जो चीज रहेगा आगे बढ़ जाएगा, फैलेगा ऊपर वाला आ जाएगा, फिर दबाएगा फिर जाएगा। तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलता रहता है पूरे आहार नाल में और भोजन आगे खिसकता रहता है। तो यह आंत्र में क्रमाकुंचन का नियंत्रण करता है, नहीं भाई एपिग्लॉटिस का काम तो यह नहीं है, यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यही कार्य है कि भोजन और श्वास नली के ऊपर समझिए एक ढक्कन है, यह कहां पे है, या एक तरह से घाटी ढक्कन भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कभी कभी हम लोग बातचीत करते, खाना खा रहे हैं, कहा गया कि खाना खाते समय बातचीत नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोल रहे हैं पता लगा श्वास नली में भोजन चला गया। कभी बार तो बड़ा उल्टा हो जाता, छींक आने लगी, पूरी आंख से पानी, नाक से पानी, कई समस्याएं आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि जहां से फूड पाइप और रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है जिसको हम कहते हैं श्वास नली, वह अलग होती है, वहीं पर एक तरह से ढक्कन एक पाया जाता है जिससे भोजन को वहां पर वह ना जाने दे। एपिग्लॉटिस श्वसन नली पर ही उपस्थित रहेगा तो यहां पर इसको क्या करेगा, रोकेगा भोजन को श्वास नली में, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, भोजन को श्वास नली में जाने देता है, नहीं 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 जाने नहीं देगा भाई, हम तो यहाँ पे समझे कि गलत हो रहा है, ये तो होगा नहीं, रोकने का काम करेगा। तो सही जवाब क्या हो गया, बी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न का जवाब सब लोग दीजिएगा कि बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणु आदि के द्वारा पूरी तरह नष्ट होने वाला कचरा क्या कहलाता है। बैक्टीरिया द्वारा या सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जो पूरी तरह से नष्ट होने वाला कचरा है उसे क्या कहेंगे, जैविक कचरा, ज्वलनशील कचरा, सिल्ट कचरा, उपर्युक्त में से कोई नहीं कहेंगे। अब बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जो नष्ट हो जाएगा उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। क्या शब्द देते हैं उसको, जो सूक्ष्म जीव द्वारा नष्ट हो जाए, दो प्रकार का कचरा है, एक को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, या इसी को हम कह देते हैं जैव अपघटनी, हिंदी में क्या कह देते हैं, जैव अपघटनी, और दूसरे को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको जैव अनिम्नीकरण कहेंगे। तो इसको भी अब क्या कहेंगे, या जैविक कचरा कहेंगे, जैसे आपने छिलका फेंक दिया या सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएगा जैसे, लेकिन अगर मान लीजिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे बायोडिग्रेडेबल में क्या आएगा, जैसे छिलका हो गया कोई, ठीक है, किसी पौधे का कोई भाग हो गया, पत्तियां डाली कुछ भी हो गया, कोई जीव का भाग अवशिष्ट हो गया, मलमूत्र हो गया, सब इसमें आएगा बायोडिग्रेडेबल में। नॉन बायोडिग्रेडेबल में जैसे धातुएं हो गई, जैसे DDT हो गया, ठीक है, जैसे कांच हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, लंबे समय तक वातावरण में बने रहेंगे।
और समाप्त नहीं होंगे। तो जो यहाँ पर जैविक कचरा होगा, जिसमें सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, पेड़ पौधे की पत्तियों का भाग, उनके तने का भाग, कोई जीव मर गया उसका भाग, सभी क्या है, जैविक कचरे के रूप में होंगे। तो आंसर यहाँ पर ए कहलाएगा, या मलमूत्र होगा वह भी इसी में आएगा, ए आंसर हो जाएगा। आरएनए द्वारा डीएनए निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या रिप्लिकेशन, क्या कहलाएगा? आरएनए द्वारा डीएनए का निर्माण यहां पर कहा जा रहा है। अब एक एक को देखिएगा, जवाब दीजिएगा सभी लोग। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन, सभी का आंसर आना चाहिए इसमें। क्या होना चाहिए? आरएनए द्वारा डीएनए निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सभी लोग का आंसर आ रहा है बी और ए। बी और ए में बहुत सारे लोग कंफ्यूज लग रहे हैं। अब देखिएगा रेप्लिकेशन, एक एक को समझते हैं। रेप्लिकेशन मतलब द्विगुणन, रिप्लीकेट करना, मतलब क्या हुआ, रिप्लीकेशन मतलब एक चीज जैसे कोई है उससे दो हो जाए, एक पेन है दो पेन बन जाए, रिप्लीकेट कर गया, डुप्लीकेट कर गया, क्या भाई डुप्लीकेट कॉपी कर लो, फोटो उसकी फोटोकॉपी को डुप्लीकेट कॉपी भी कहते हैं, एक कॉपी थी एक तैयार हो गई, तो रिप्लीकेशन हो गया। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहां पर देखेंगे कि एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन या तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, कैसे होता है थोड़ा समझिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अब अगर डीएनए क्या करता है, डीएनए अपनी अनुवांशिक सूचनाओं को मैसेंजर आरएनए में चेंज करे, तो यह प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए द्वारा ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए की सहायता से प्रोटीन बना दे, तो इसको कहते हैं क्या, ट्रांसलेशन, क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई कि डीएनए अपनी अनुवांशिक सूचना को मैसेंजर आरएनए में बदले तो यह ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, लेकिन मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की सहायता से प्रोटीन का सिंथेसिस कर दे तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। लेकिन अगर मैसेंजर आरएनए डीएनए को बना दे तो इसको कहेंगे रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। मतलब जवाब क्या हुआ हमारा, ए हो गया राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो गया। क्लियर, फिर से समझिए, हमने कहा कि डीएनए अपनी अनुवांशिक सूचना को आरएनए में चेंज करे तो कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, क्या करे, ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए से डीएनए बन रहा है, उल्टा हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, रिवर्स गियर कहते, रिवर्स गियर मतलब पीछे की तरफ चलना है, उल्टा है, तो यहां पर आरएनए डीएनए में बदल रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गया। दूसरी बात देखिएगा, यहां पर अभी आप कोरोना काल में एक नाम बहुत प्रचलित था, उसका नाम था आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर जांच हो रही थी ना, जिसको जिसको कोरोना की जांच करना था, कहते भाई आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है क्या, तो आरटीपीसीआर में क्या था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जांच किसकी हो रही थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्यों कर रहे थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए कर रहे थे कि कोरोना वायरस कैसा वायरस है, आरएनए वायरस है, पहले उसको डीएनए में बदला जाता था, फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उसकी जांच होती थी, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या किसकी जांच थी, अभी कोरोना के केस में हो रहा था, कोरोना के मामले में हो रहा था, तो वहां से भी आप इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं। 10 नंबर पे आते हैं, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में मॉलिक्यूलर सीजर आणविक कैची का उपयोग किया जाता है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में मॉलिक्यूलर सीजर आणविक कैची, जब से आप देखेंगे दो चीज आया, जहां आणविक कैची, मॉलिक्यूलर कैची का मतलब काटने वाला, करा की हेलिकेज का, डीएनए लाइगेज का, डीएनए पॉलीमरेज का, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज का, एज शब्द जहां भी आता है वो एंजाइम हो जाता है, एज शब्द जहां पर भी आप पढ़ें तो उसको तुरंत क्या समझें, एंजाइम समझें। जेनेटिक इंजीनियरिंग की दुनिया में दो एंजाइम जब खोजे गए तो जेनेटिक इंजीनियर की गति क्या हुई, जीरो से हंड्रेड तो पहुंच गई, जीरो से सौ पहुंच गई, क्या पहुंच गई, एक तो मॉलिक्यूलर सीजर की जब खोज हुई और एक लाइगेज एंजाइम का, क्योंकि लाइगेज एंजाइम क्या करता है, यह जोड़ने के कार्य में आता है, जोड़ने में,
जैसे एक जीव से हमने एक जीन को काटा, अब दूसरे के जीनों में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करेंगे। अगर हमको अब लगा कि जैसे चावल में विटामिन ए रेटिनॉल का गुण नहीं था, गोल्डन राइस जो बनाया गया, तो बीटा कैरोटीन जीन को मक्खी से क्या किया गया? काटा गया। तो काटने के लिए किसका उपयोग करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज करेंगे, और काटने वाला मतलब कैंची हो गया, तो मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर मतलब कैंची, तो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज यह काटने के कार्य में आएगा। और लाइगेज, अब जीन को जोड़ना भी है दूसरे के जीनोम में, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम डीएनए लाइगेज का उपयोग करेंगे। बाकी पॉलीमरेज तो उसका एक श्रृंखला बनाना है, और हेलिकेज से मतलब नहीं है, तो डी आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या हुआ भाई? डी आंसर हो गया ना सभी लोग का। आज कुछ ऐसे बेहतरीन प्रश्नों को करा जाए। निम्नलिखित में से जैव भार में शामिल किया जाता है? जैव भार, अंग्रेजी में जैव भार को क्या कहते हैं? बायोमास। क्या कहेंगे? बायोमास। बायोमास क्या है व्यवहार में? लकड़ी, लैंडफिल्स, जैव ईंधन सभी, थोड़ा समझिएगा। बायोमास में शामिल कहा गया कि जैव भार में शामिल किया, लकड़ी को, लैंडफिल को, जैव ईंधन को, किसी भी जीव का बायोमास। जैसे कोई पौधा है उसको सुखा दीजिए, मतलब तो पानी की मात्रा हटा दीजिए, तो जो कुछ अब बचेगा वह बायोमास होगा। क्या होगा? बायोमास होगा, जैव भार होगा। कोई जीव है मर जाए, वह सूख जाए एकदम, पानी उसका एकदम खत्म हो जाए शरीर से, तो जो कुछ बचेगा ठोस मटेरियल अब क्या होगा? बायोमास होगा। आप लकड़ी को जलाते हैं तो जलती है, नम वाली लकड़ी नहीं जलती है, लेकिन वह वाली नम वाली लकड़ी को भी खूब आग में डाल दिए किसी में, तो जैसे उसमें पानी खत्म हो जाएगा वह भी जलने लगेगी। तो बायोमास क्या हुआ कि जिसमें पानी की मात्रा ना हो, पौधों के संदर्भ में प्रयोग करते हैं, तो लकड़ी तो होगा ही बायोमास में शामिल, लैंडफिल भी होगा और जैव ईंधन भी होगा, क्योंकि जैव ईंधन क्या होगा? ऊर्जा के स्रोत के रूप में होंगे। जैव ईंधन जो कोयला हुआ, कोई भी चीज है जो पौधे से प्राप्त हुआ है, पेट्रोलियम भी किससे प्राप्त हुआ है? टेरिडोफाइटा समूह के पौधे पृथ्वी के नीचे दब गए थे और वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी के कारण से क्या हुआ, वह हाइड्रोकार्बन्स में बदल गए, और हम लोगों ने क्या किया, उसकी खुदाई करके बाहर निकाल लिया, और उसको क्या क्या कहा, क्रूड ऑयल कभी बोल दिया, कभी कहा कि काला सोना है, भूरा सोना है, क्योंकि कीमत की वजह से, और उसी का उपयोग हम पेट्रोलियम के रूप में कर रहे हैं। तो उपर्युक्त सभी वाला विकल्प यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं लैंडफिल नहीं होगा, लैंडफिल जैव ईंधन और सभी यहाँ पर रहेगा आंसर, सभी रहेगा आंसर। आगे आते हैं भाई, सभी को जवाब देना है 12 नंबर का प्रश्न, एकदम एकदम बेसिक प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है कि कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा स्थायी ऊतक, ऊतक मतलब टिश्यू, पौधे को कठोर और मजबूत बनाएगा? कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और एरेनकाइमा। अब पहले स्थायी की बात कर लेते हैं, जो टिश्यू है मतलब प्लांट टिश्यू, ऊतक मतलब टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के भाई? दो प्रकार के हैं। एक को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम कहते हैं विभाज्योतकी ऊतक, विभाज्योतकी ऊतक, और दूसरे को कहते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू मतलब स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। यहाँ पर ये स्थायी ऊतक के सभी प्रकार लिखे गए हैं, जैसे कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जैसे यहाँ पर लिखा स्केलेनकाइमा आदि आदि, सभी इसमें आ जाएंगे। अब विभाज्योतकी ऊतक क्या होंगे? तीन प्रकार के होंगे, पूरी बात को समझिएगा। एक जो ऊपर भाग में पौधे के पाए जाएंगे, एपिकल भाग में, एक जो यहाँ किनारे के साइड में पाए जाएंगे, और तीसरे जो इस तरह से पाए जाएंगे, जो ऊपर ऊपर पाए जाएंगे इसको कहेंगे एपिकल मेरिस्टम, जो यहां किनारे पाए जाएंगे इनको कहेंगे लैटरल मेरिस्टम, और तीसरे यहां पर जो पाए जाएंगे इनको कहेंगे इंटर कोरोनरी, कोरोनरी मेरिस्टम। हिंदी में अगर जानना चाहें तो एपिकल मतलब शीर्ष विभाज्योतकी ऊतक, लैटरल मतलब पार्स, पार्स मतलब किनारे वाला, और इंटर कोरोनरी अंतरवेशी, इसको मान लीजिए ना जानते हो तो अंतरवेशी कहेंगे।
अब यह विभाजन क्या करेगा, ऊपर की लंबाई को बढ़ाएगा, लैटरल क्या करेगा, पौधे की मोटाई को बढ़ाएगा, इंटरकॉर्नरी यहीं से भाई नोड इत्यादि निकलेंगे, नोड इंटरनोड इस सभी इससे निकलेंगे, किससे, इंटरकॉर्नरी से। यहां तक क्लियर बात हो गई। अब परमानेंट में क्या कौन करेगा, थोड़ा इसको समझिएगा। जैसे क्या करेगा, कोलन काइमा, यह भी मजबूती फ्लेक्सिबिलिटी देता है। स्केलेटन काइमा यहां पर जो होगा वह जो होगा कह रहा कठोरता और मजबूती देगा। पैरन का एरन काइमा या तैरने में सहायता करता है, तैरने में इसमें वायु भरी होती है, वायु भरी रहेगी। तो स्केलेटन काइमा मतलब वह ऊतक जो विभाजन की क्षमता को खो दे, जो विभाजन करे उसको विभाज्योत की ऊतक, और जो थक गए कि अब विभाजन नहीं करेंगे भाई हम, हमारे बस का बात अब नहीं है कि विभाजन हम कर पाए, तो जो ऊतक विभाजन की क्षमता को खो देते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको परमानेंट टिश्यू में वह बदल जाते हैं। अब परमानेंट टिश्यू कई प्रकार के हैं, कोलन, स्केलेटन, पैरन और एरन। तो स्केलेटन क्या करें, मजबूती। जैसे आप देखिए नारियल का जटा है, नारियल का जटा तो क्या है, वह स्केलेटन काइमा का एग्जाम्पल होगा, तो बी आंसर हो जाए। सॉरी, 13 नंबर पे आएंगे भाई, कि सारणी 1 और 2 को नीचे दी गई है जो सही सुमेलित नहीं है वह कौन है। सभी लोग कंसंट्रेट करिएगा, विटामिन बी टू को क्या कहते हैं भाई, राइबोफ्लेविन कहेंगे, ठीक है। विटामिन बी थ्री को कहेंगे हम नियासिन कहेंगे। विटामिन बी सिक्स को हम पायरीडॉक्सिन कहेंगे। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न पे कि विटामिन बी टू, बी थ्री, बी सिक्स और ए श्वसन में या फेमन तथा एपीडी के निर्माण में सहायक, बी टू, बी थ्री एमएडी तथा एनएडी के सहायक, विटामिन बी सिक्स टीबी की वृद्धि रोकने में सहायक, सुमेलित नहीं है बताना है। विटामिन ए अस्थियों को मजबूत करने में नहीं सहायक होता भाई, विटामिन डी यहीं पे गलती है, एकदम राइट आंसर मिल गया डी, क्योंकि रेटिनॉल जो होता है यह तो त्वचा के लिए जरूरी है और खास करके आंख के लिए जरूरी है, त्वचा और आंख को प्रभावित करता है। विटामिन डी अस्थियों के लिए तो विटामिन डी होगा, कैल्सीफेरॉल। अस्थियों के लिए क्या होता है, विटामिन डी होता है अस्थियों के लिए, कैल्सीफेरॉल। ए से कमी से क्या होगा, रतौधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस और जिरोप्थैल्मिया नामक बीमारी यहां पे उत्पन्न होती, तो ए हो गया यहां पर राइट आंसर। इंफ्रारेड किरणें क्या है, इंफ्रारेड क्या है, अंग्रेजी में अगर चाहें तो अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडनल, जैसे अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, वेव, मैकेनिकल, विद्युत चुंबकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। क्या होगी भाई यहां पर, क्या कहा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या आंसर आएगा। तो इसमें कहा गया कि इंफ्रारेड कैसी हैं, तो इंफ्रारेड एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बकिया अनुदैर्ध्य और यहां पर जो है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ ये तो यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। हाँ, बस अंतर क्या है, सभी लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं इनके चलने के लिए माध्यम की अनिवार्यता नहीं है, जैसे प्रकाश तरंगे या इलेक्ट्रॉनों के डिस्टर्बेंस से, विक्षोभ से उत्पन्न होती हैं, जबकि जो यांत्रिक तरंगे होती हैं इनके लिए माध्यम चाहिए, ठोस द्रव गैस में ही चलेंगे, निर्वात में या नहीं चल सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा राइट आंसर। मैमल्स की दृष्टि की रासायनिकी में प्रकाश संवेदी पदार्थ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को जवाब देना है इसका, कि मैमल्स की दृष्टि की रासायनिकी में प्रकाश संवेदी पदार्थ को क्या कहते हैं, रोडॉप्सिन, मेलानिन, स्केलरोटिन या रेटिनॉल। बहुत अच्छा है कि मैमल्स की दृष्टि में, विजन्स में क्या है, रासायनिकी प्रकाश संवेदी पदार्थ कौन सा है, फोटोरिसेप्टर कौन सा है, तो क्या होगा इसमें से, रोडॉप्सिन, मेलानिन, मेलानिन कहां होगा, या तो त्वचा में होगा भाई, त्वचा का होता है,
स्क्लेरोटिन, इसके अंदर में रेटिनॉल, रेटिनॉल क्या है, ये तो रेटिनॉल विटामिन ए को ही कहते हैं, विटामिन ए का, तो इसमें क्या होगा, रोडॉप्सिन होगा, रोडॉप्सिन। और कहाँ पाया जाता है, जैसे रोडॉप्सिन में विटामिन ए पाया जाता है, ऐसे कहा जाए कि रोडॉप्सिन में, तो सही रहेगा कि रोडॉप्सिन में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, क्लियर है ना सभी को, ए यहाँ पे पाया जाएगा, क्लियर, क्लियर भाई, तो ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न का फटाफट जवाब देखते हैं कि स्तनधारियों की आहार नाल का कौन सा भाग कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं करता, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, सभी को जवाब देना है, एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं, मुख, माउथ, यहां पर लिख देते हैं माउथ भाई, कुछ लोगों ना समझ में आ रहा, ग्रसिका मतलब फेरिंग्स, आमाशय मतलब स्टमक, अंग्रेजी इसका है, ग्रहणी जिसको हम कहते हैं डियोडेनम, डियोडेनम। क्या कहा गया कि इसमें कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है, अब मुख में तो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, थ्री पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, इसका मतलब पहला तो होगा नहीं, टायरिन माल्टेज और लाइसो एंजाइम निकलता है, खत्म हो गया। आमाशय में देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाएगी, जठर ग्रंथियां, और यहां पर क्या निकलता है, पेप्सिन भी निकलता है, HCL भी रहता है, और तीसरा क्या रहता है, लाइपेज भी रहता है, यह भी नहीं हो सकता। डियोडेनम तो छोटी आंत का भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, और कई सारे एंजाइम्स यहां पर निकलते हैं, यहां पर फायरिंग से एक ऐसा भाग है जहां पर कोई एंजाइम नहीं निकलता, फायरिंग मतलब यही मुख गुहा जहां से कुप्पी नुमा संरचना में यहां खुल रही है, इसी को फायरिंग्स कहेंगे, और लंबे वाले भाग को ऑसोफेगस कहेंगे, फूड पाइप जिसको कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फायरिंग्स एंड, फायरिंग्स एंड ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस में इन दोनों में क्या होता है, एंजाइम्स ग्लैंड, क्या कह रहा था, एंजाइम यहां पे स्रावित नहीं होता, कोई भी स्रावित नहीं होगा, उसी फेरिंग का अगला भाग होता है ओसोफेगस, ग्रास नली के रूप में पाया जाता है, तो बी वाला जवाब हम लोग ले लेते हैं यहां पे सही जवाब। अब एक आसान सा प्रश्न है जनरल साइंस का, हवा की परागण को क्या कहते हैं, परागण एक शब्द आता है पॉलिनेशन, सभी लोग जवाब देते रहिएगा, पॉलिनेशन, परागण, परागण, कह रहा कि हवा के परागण को क्या कहते हैं, हवा के परागण का मतलब हवा द्वारा परागण हो, परागण का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पौधा है, ये एंथर है, क्या है, एंथर है, अब इस एंथर के फटने पर जो परागकण यहां निकला, ये क्या हुआ भाई, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है, अब यह पॉलन ग्रेन कहां तक इसको आना है, इसको आना है स्टिग्मा पर, ये स्टिग्मा हो गया उसी जाति के पौधे का, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया, और ये ओव्यूल हो गया, ओव्यूल हो गया, बीजांड हो गया, तो यह परागकण यहां पर पहुंच जाए, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है, पॉलिनेशन कला, अपने ही जाति के परागकण मेल गए मीट है, स्टिग्मा पर आके चिपक जाए, तो इसी को क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। अब कैसे आएगा, कोई पैर तो इसके पास है नहीं कि चल लिया गाड़ी मोटर पकड़ा, तो इसको पहुंचने के लिए कई चीजें हो सकती हैं, जैसे अगर जल द्वारा आए तो हाइड्रोफिल, मतलब जलीय पौधा पानी में गिर गया, परागकण बहते बहते स्टिग्मा तक पहुंच गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसके अलावा देखिए एनिमोफिली, अगर हवा उड़ा के लाए, हवा द्वारा, हवा तो यही कुछ भी रहा था, हवा द्वारा, अगर मान लीजिए कि कीट लाता तो इंटेमोफिली, इंटेमोफिली, सब में फिली शब्द जोड़ते जाइए, कोई कीट लाता, कोई बर्ड्स लाता तो आर्निथोफिली, अगर चिड़िया लाती आर्निथोफिली, मतलब चिड़िया अगर उड़ा आई, बैठी पुष्प पे, अपने पैर में लगा ली, उसको चिपका ली और उड़ के गई, जानबूझ के नहीं चिपकाई, चिपक गया अपने आप पालन कर, दूसरे पौधे पर बैठी उसी जात के, वहां पर परागकण छूट गया, तो यहां पर परागकण पहुंच गया, तो किसके द्वारा पहुंचा, चिड़िया द्वारा, तो क्या कहेंगे, आर्निथोफिली, पानी द्वारा गया,
तो हाइड्रोफिली, हवा द्वारा गया तो एनीमोफिली, ठीक है, कीट द्वारा गया इंटमोफिली, मोलस्क द्वारा गया मोलस्कोफिली, जैसे जाएगा वैसे नाम बढ़ाते जाएंगे, क्लियर है ना। तो सी आंसर यहां पे हो गया राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं कि गैम्बूसिया एक मछली है जिसे तालाब में वाहक जनित रोगों को रोकने के लिए डाला जाता है। गैम्बूसिया एक मछली है जिसे तालाब में वाहक जनित रोगों को रोकने के लिए डाला जाता है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया उपर्युक्त सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए गैम्बूसिया किसके कलेक्ट होता है, मलेरिया के लिए होता है भाई, क्यों कैसे कंट्रोल करेगा। अब मलेरिया का कारक जीव क्या है, कारक जीव, तो कारक जीव है प्लाज्मोडियम, क्या होता भाई प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजुआ है। यहां तक तो सब लोग एकमत होंगे कि प्रोटोजुआ है। अच्छा, इस प्लाज्मोडियम को वाहक कौन है स्पोरोजॉइट का, तो कहेंगे मादा एनफ्लीज इसको ले जाती है, मादा एनफ्लीज इसको ले जाती है। लेकिन इस प्लाज्मोडियम के लार्वा को क्या करता है, पानी में तैरता है या गैम्बूसिया मछली खा लेती है, क्या करती है, गैम्बूसिया मछली खा लेती है। अब अगर लार्वा ही खा लेती है तो फिर प्लाज्मोडियम ये कैसे फैलाएंगे, क्योंकि कारक जीव है प्लाज्मोडियम और इनके लार्वा को कौन खा गया, गैम्बूसिया मछली, तो इसका नियंत्रण होगा ना मलेरिया का, तो वह जा ही नहीं पाएंगे, मच्छर तब ढोएगा जब ये रहेंगे, जब ये है ही नहीं तो मच्छर कैसे, मच्छर तो क्यों ले जाने वाला है, वाहक है, स्पोरोजॉइट्स को ढोता है, मनुष्य के शरीर में पहुंचाता है, पहले अपने शरीर में लाएगा फिर जब मनुष्य को काटेगा तो उसके ब्लड में छोड़ देगा स्पोरोजॉइट्स को, और जाकर के वह उसके आंत को प्रभावित करेगा, स्प्लीन को प्रभावित करेगा, आरबीसी को प्रभावित करेगा, और कपकपी के साथ बुखार आएगा, बुखार आएगा, तो मलेरिया यहां पे होगा। बाकी डेंगू तो वायरल है, वायरस से होता है, चिकनगुनिया भी वायरस से होता है, विषाणु जनित बीमारी है, तो विषाणु को तो ये न खा पाएंगे, तो बी हुआ मलेरिया। 19 आ गया कि मेंडल द्वारा अनुवांशिकी के प्रयोग हेतु किन पौधों को चुना गया था। फटाफट बताइएगा, मेंडल द्वारा अनुवांशिकी के प्रयोग हेतु मटर के पौधे, गेहूं, चावल और बाजरे के, इससे आसान प्रश्न इस पेपर में कोई नहीं आज के सेशन में था, तो क्या हो गया भाई, मटर के पौधे में पर उन्होंने प्रयोग किया था और 7 गुणों को इन्होंने चुना था, किसको चुना था, 7 गुणों का, और इसके आधार पर 3 नियम दिए थे, क्या नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे मेंडल ने अनुवांशिकता के संदर्भ में। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम क्या था, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण, लाइ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा नियम क्या था, लाइ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभ्यूहन जिसको हिंदी में कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम, लाइ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 3 नियम दिया, लाइ ऑफ डोमिनेंसी, लाइ ऑफ सेग्रीगेशन, लाइ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का दिया, किस पे किया, मटर पर, कितने गुणों को चुना, 7 गुणों पर, क्या थे या एक पादरी थे, मतलब एक पुजारी थे, या जो ऐसे इन्होंने कौतूहल सूझा और अपने किचन गार्डन में उगाए जाने वाले पौधों के 7 गुणों को चुना और भिन्न भिन्न क्रॉस करा करके जेनेटिक्स के इनको पितामह कहा जाता है, 3 नियम प्रतिपादित कर दिए। देखिए, हम पीसीआर की जब बात कर रहे थे पहले प्रश्न में, अंतिम प्रश्न में पीसीआर आ ही गया, कोरोना जांच के लिए चर्चा में रहे आरटीपीसीआर, अभी हमने शुरू में बताया था, अनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति बनाए जाने पर आधारित है, पीसीआर तकनीक को विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भाई पीसीआर तकनीक को विकसित किसने किया था, हरगोविंद खुराना, कैरी मुलिस, आर्थर कोरमन और उपर्युक्त में से कोई नहीं, किसने किया था, कैरी मुलिस ने किया था, और इसके लिए इनको नोबल पुरस्कार भी 1993 में मिला था, 1993 में इन्हें नोबल पुरस्कार इसके लिए दिया गया था, नोबल पुरस्कार, क्योंकि इससे वायरस की जो जांच है वह काफी आसान हो गई थी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बेसिकली हम वायरस की जांच करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब लग गया तो हम आरएनए का जांच यहां पर कर रहे थे, तो कैरी मुलिस इसके थे, तो आंसर यहां पर हो गया बी हमारा राइट आंसर। तो सभी ने काफी अच्छा यहां पर देखा होगा, काफी अच्छे प्रश्न आपने यहां पे किए भी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह पूरा प्रश्न आपके लिए काफी लाभप्रद रहा होगा, काफी लाभप्रद होगा। और सभी लोग जो पूरे मैंने सेक्शन कराए हैं यूनिट 7, 9 सभी टॉपिक पर काफी बेहतरीन प्रश्न हमने देने का प्रयास किया है, एक तरह से पूरे सिलेबस को हमने आपके बीच में रखा है,
और सारे सिलेबस के टॉपिक वाइज आपके कहने के अनुसार हमने उस पर प्रश्नों को रखा है। तो उत्कर्ष आपके लिए लगातार इसी प्रकार से अपने नए नए प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं, नए प्रकार की जो योजनाएं हैं, आपके बीच में लाता रहेगा और आपके हित के लिए सर्वोत्तम से सर्वोत्तम वह कार्य करेगा जो आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता कर सके। यहाँ पर एक छोटी सी सूचना है, सभी लोग सोच के ही इस सूचना को तब आगे जाएंगे कि आपको पता है कि उत्कर्ष ऑनलाइन में, नहीं पता है तो जान लीजिए कि उत्कर्ष ऑनलाइन सेवा में 2017 से काम कर रहा है और उत्कर्ष का जो पहला ऑनलाइन हमारे जो हमारे स्टूडियो बना था 2017 में बना था और उसमें उसके 5 वर्ष पूरे होने पर, 5वीं वर्षगांठ पे कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी ऑफर लेकर के उत्कर्ष आया है अपने ऑनलाइन सभी कोर्सेज पर, वो सभी स्टेट के कोर्सेज पर, तो मध्य प्रदेश के कोर्सेज के लिए भी यह ऑफर रखा गया है। 13 तारीख से लेकर के 14, 15, 16 और 17, ये 5 दिन ऐसे दिन हैं जहां पर अगर आप उत्कर्ष ऐप से एमपी से संबंधित जो कोर्स उत्कर्ष ऐप पर उपलब्ध है उसको परचेज करते हैं तो उस पर एक महा डिस्काउंट दिया गया है और वह डिस्काउंट 90% तक है। उत्कर्ष वैसे ही कम कीमत पर अपने कोर्स देता है, उसमें भी 90% तक हम डिस्काउंट दे रहे हैं 5 दिन के लिए, 13, 14, 15, 16, 17। तो आपका कोई सगा संबंधी, आपका भाई, आपका कोई बंधु, आपका मित्र अगर किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है जो उत्कर्ष पर उपलब्ध है ऐप पर, तो आप यहां से उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 17 तक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में पुनः कीमत वैसी ही हो जाएगी पुरानी कीमत, तो 17 तक इसलिए ज़रूर उसको करें अगर खरीदना है, अगर लेना है, कोई आवश्यकता है किसी कोर्स की। ठीक है, सभी लोग एकदम जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो चीज़ें किया है उसकी तैयारी के लग जाए। अब हमको यह नहीं सोचना है कि क्या छूट गया, क्या पढ़ना है, एक जो हमने पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है, अब हमको केवल परीक्षा में परफॉर्म करना है और उस परीक्षा के टाइम में हमको अपना माइंड एकदम कूल रखना है और एकदम पूरी ऊर्जा के साथ परीक्षा को देने जाना है। आप अच्छा करेंगे मुझे भी विश्वास है, आपका सिलेक्शन होगा मुझे पूर्ण विश्वास है, तो आपको भी इसका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और अगर विश्वास है आपको तो आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि परीक्षा किसी कुछ दिनों का मूल्यांकन नहीं होता है, वो आपके अभी तक के पूरे शिक्षा के चीज़ों का, अनुभवों का पूरा मूल्यांकन उस परीक्षा टाइम में होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगले 2 महीने में आपने पिछले नहीं पढ़ा तो वही टॉपिक आएंगे, या अगले आप कुछ 10 दिन के अंदर अभी नहीं पढ़ पाए तो, या कोई टॉपिक छूट गया तो वह आपको कोई नुकसान करेगा नहीं, जो आपने पढ़ा है बहुत पर्याप्त पढ़ा है उसी को अगर बनाए रखेंगे, जो पढ़ा है उससे गलती नहीं करेंगे, सावधानी से पेपर देंगे तो जरूर हम परीक्षा में सफल होंगे। चलिए मिलते हैं पुनः अगली बार और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।